हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ोएस एक्सोटिक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोगों के 3 फीट बाय 2 फीट एक्वेरियम में। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने अपनी फ्लावर हॉर्न जो ब्रीडिंग पेयर है उसको मैंने ऐड कर दिया अपने 3 फीट एक्वेरियम में। आज हम लोग उसी एक्वेरियम को रेडी करने वाले हैं ब्रीडिंग के लिए। और जो मेरे फ्लावर हॉर्न्स हैं गाइस, वो मैं आपको बता दूँ कि वो ब्रीडिंग सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं। वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो रही है, मेल जो है फीमेल की तरफ थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, फीमेल भी थोड़ी सी बाइपेड कर रही है मेल को। तो ब्रीडिंग सिम्टम्स स्टार्ट हो गए इन लोगों के, जो आप ही देख सकते हैं पीछे जो पॉट है, मटकी जिसको कहते हैं हिंदी में, वही पॉट के अंदर आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो ध्यान से, मेल जो है उसका हेड थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो वो उसी पॉट के अंदर रहते हैं। एक्चुअली ये तो मैंने पहले डेकोरेशन की तरह यूज़ किया था अपने टैंक के, और इन लोगों ने इसको चूज़ कर लिया अपने हाइडिंग स्पॉट की तरह। मैं नहीं चाहता था वो उसको चूज़ करें, बट उन लोगों ने कर लिया, और अब मैं इतना ज़्यादा ये लोग ब्रीडिंग सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं कि मेरे को लगता है कि इसको निकालना ठीक नहीं होगा, तो मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ। पर जैसे ये लोग ब्रीड कर जाएंगे उसके बाद, और जब बच्चे जो फ्राइज होंगे वो हैच कर जाएंगे एक से, उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंट करना अपने एक्वेरियम को। पेंट करने के लिए गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका, आप देख सकते हैं ये स्प्रे पेंट है वाइट कलर का। इधर साइड पे गाइस और इधर साइड पे मैंने दोनों साइड से अपने एक्वेरियम को पेंट कर दिया है ऑलरेडी। अब हम लोगों को सिर्फ बैक साइड को पेंट करना है। मैंने इसी वीडियो के लिए उसको बचा के रखा था, तो आज हम लोग बैक साइड को पेंट करेंगे। ये दोनों साइड को पेंट किए हुए मेरे को रफली 6 to 7 days हो रहे हैं, और अच्छा मेरा जा रहा है, काफ़ी अच्छे से इसने ग्रिप किया, और निकलने की कोई भी मेरे को दिख नहीं रहा है कि ये पेंट निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ स्प्रे पेंट को, और मेरे को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छे से पेंट स्टिक होता है। गाइज मेरे एक्वेरियम की लेंथ है 3.5 feet by 2 feet by 2 feet, और इस एक्वेरियम के लिए मेरे को एक बॉटल का यूज़ लगा। आप देख सकते हैं ये बॉटल, इस बॉटल की एक बॉटल का फुल मेरे को यूज़ लगा, और इसकी कॉस्ट थी 135 rupees। इसमें मेरे साइड पैनल्स दोनों हो गए हैं, और अभी थोड़ी सी कम हुई है इसमें से, और मोस्ट प्रोबेबली बैक पैनल भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा फ्लावर हॉर्न पेयर है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए मैं उसको रिमूव नहीं कर रहा अपने टैंक से एक्वेरियम को पेंट करने से पहले, और मेरे को इस टैंक को पेंट करना है। और गाइस अगर यही चीज़ आप लोगों के साथ हो, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि अगर आपका पेयर जो है वो ब्रीड ना करने वाला हो टैंक के अंदर, तो आप ज़रूर से उसको निकाल के उसके बाद ही अपने एक्वेरियम को पेंट करें, या तो पेयर को परचेज़ करने से पहले अपने एक्वेरियम को पेंट कर लें। मेरा प्लान था इस एक्वेरियम को पेंट करने का, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको पेंट नहीं कर पाया। इसमें कुछ मैं क्लीन व्लीन कर रहा था, उसके बाद ही एकदम से पेयर आ गया मेरा, इसीलिए मैं इसको पेंट नहीं कर पाया। पर अब मैं इसको पेंट करने वाला हूँ, तो प्रिकॉशनरी यूज़ के लिए गाइस मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको क्लिंग फॉइल कहते हैं, ये प्लास्टिक की शीट होती है। इसको मैंने एक्वेरियम के ऊपर की साइड में गाइस पूरा लगा दिया है, जहाँ पे ब्रेसिंग हुई है वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा दिया, ताकि बिल्कुल भी स्प्रे पेंट पानी में ना जाए। स्प्रे पेंट में केमिकल होता है गाइस, जो कि आपकी फ़िश को हार्म कर सकता है, इसीलिए आप हमेशा जब भी आपकी फ़िश पानी के अंदर है, आप उसको रिमूव करके टैंक को खाली करके उसके बाद ही आप उसको पेंट करें, या तो फिर आप गाइस इसका यूज़ करें। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है पेंट करने की, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फॉल को यूज़ करने के बाद आपको गाइस खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेंट है वो पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए गाइस अब अपने एक्वेरियम के बैक को पेंट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं।
जैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपको स्प्रे पेंट की बॉटल को यूज़ कैसे करना है। तो बॉटल का कैप खोलने के बाद गाइस आपको छोटा सा ये नॉब दिखेगा, इस नॉब को आपको इस तरीके से निकाल देना है और उसके बाद आपका जो ये सामने वाली टिप है जहाँ से पेंट निकलता है, इसको टैंक की तरफ फेस करते हुए आपको प्रेस करना है और आपको मेक श्योर करना है कि टैंक से जो टैंक का ग्लास है उससे आपके ये बॉटल के नॉब की लगभग लगभग 4 to 5 inches की दूरी होनी चाहिए। ना तो उससे ज़्यादा पास करिएगा गाइस, ना तो उससे ज़्यादा दूर, क्योंकि अगर आप पास करेंगे तो एक जगह पर काफ़ी सारा पेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से लंबी लंबी पेंट की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से लाइनें आ जाएंगी, तो वो आप मत करिएगा। आप ना तो ज़्यादा पास करिएगा, ना तो ज़्यादा दूर करिएगा, 4 to 5 inches का आप अगर गैप रखेंगे तो आपको एकदम परफेक्टली पेंट होगा। गाइस आपने पहले वाली क्लिप में भी देखा था कि मेरा एकदम इवनली पेंट हुआ है, तो उसका यही तरीका है। 4 to 5 inches आप दूर रखिएगा ग्लास से, उसके बाद आप पेंट करिएगा। इस बॉटल में गाइस रफली आप मान के चलिए आपका 7 feet by 2 feet का पैनल पूरा पेंट हो जाएगा। आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना बड़ा ग्लास और आपको कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी पेंट करने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने अपने टैंक को पेंट कर लिया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो इसकी टोटल कॉस्ट आई है गाइस 135 rupees। 135 rupees में पूरा टैंक पेंट हो गया है, जो कि इसके कॉस्ट थी इसके स्प्रे पेंट की। स्प्रे पेंट के अलावा इसमें मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, कोई ब्रश नहीं, कुछ नहीं यूज़ किया है। स्प्रे पेंट से पूरा टैंक पेंट हुआ है। इस टैंक की जो लेंथ है वो 3.5 feet by 2 feet by 2 feet। तो पूरा टैंक जो है वो पेंट हो गया है। मैंने साइड पैनल और बैक पैनल को सिर्फ पेंट किया है, मैंने बॉटम पैनल को पेंट नहीं किया है। तो ये पूरे टैंक की जो आपको मैंने पेंटिंग की कॉस्ट तो क्लियर कर ही दी है गाइज। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। प्रिकॉशन गाइज लेना बहुत ज़रूरी है, आपके टैंक को एम्प्टी होना चाहिए। मैं सेकेंड टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ ये गलती आप लोग मत करिएगा देख के कि मैंने किया है। और अगर आप लोगों को इमरजेंसी में पेंट करना पड़े अपना टैंक, तो आप लोगों को क्लिंग फॉइल जो मैंने आपको बताई थी वो यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। उसके बिना अपने टैंक को प्लीज़ मत पेंट करिएगा, क्योंकि आपका जो वाटर है वो पल्यूट हो सकता है अगर आपका स्प्रे पेंट गलती से पानी के अंदर चला गया। कल गाइज मैं इस टैंक की वाटर चेंज करूँगा फिर से, इन केस अगर कोई ज़रा से पार्टिकल्स चले गए पानी के अंदर, तो मैं इसका वाटर चेंज कर दूंगा। आप भी याद से वाटर चेंज करना मत भूलिएगा। और वैसे भी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात है, पर वाटर चेंज करना टैंक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने टैंक्स का वाटर चेंज करते रहिएगा गाइस। अगली वीडियो जो होने वाली है वो फ्रॉड वाली वीडियो आने वाली है गाइस। फाइनली मैं बाहर काफ़ी दिन से बोला, मेरे को पता है कि फ्रॉड वाली वीडियो आएगी, पर वो वीडियो में मेरे को थोड़ा सा अच्छे से एकदम क्लियरिफाई करना है। उसके लिए मैं उस वीडियो को शूट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, पर वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है गाइस। अगली वीडियो आएगी, अगर ना आई तो सॉरी, अगले से अगली वीडियो तो पक्का नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पक्का 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 उस वीडियो होगी वही वाली। और गाइस उसके अलावा 7 feet एक्वेरियम के लिए और भी फिशेज़ आने वाली हैं, तो वो कौन सी फिशेज़ होने वाली है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सी फिशेज़ मेरे को डालनी चाहिए उसमें। उसके अलावा गाइस जो हम लोगों का 500 rupees में फुल्ली हाईटेक प्लांटेड टैंक है, उसकी वीडियो तभी आएगी जब हम लोगों के 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा गाइस याद से। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट मंथ।